की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं हल्के फुल्के नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, दो कच्चे आलू से। तो मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम टमाटो सॉस और चिल्ली सॉस के साथ हम सर्व किए हैं, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो चलिए अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम दो आलू ले लिए हैं कच्चे, मैं इसका छिलका निकाल ली हूँ और मैं अब इसको कद्दूकस करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ले लिए हैं और मैं इसमें घिस लूँगी इस तरह से, तो मैं आपको घिस के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम घिस लिए हैं और अब दो बार मैं पानी से अच्छे से साफ से धो लूँगी, तो मैं आपको धो के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम दो पानी से अच्छे से साफ से धो लिए हैं और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा, मैं हरा प्याज बारीक काट ली हूँ और एक छोटे साइज का प्याज है, दो हरे मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, मैं सारा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये देखिए हम डाल दिए हैं, हाफ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करें। तो अब हम इसमें दो बड़े चम्मच चावल के आटा ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो एक चम्मच हम डाल दिए हैं और एक चम्मच और डाल रहे हैं। तो ये देखिए हम डाल दिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हम आटा डाल दिए और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, आलू में धोई हूँ तो उसमें से पानी निकलेगा ही, फिर पानी अब डालेगा फ्रेंड्स तो गीला हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया और हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा फ्रेंड्स, नहीं तो हम पानी डालते तो गीला ही हो जाता। तो अब मैं चलती हूँ कढ़ाई की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कढ़ाई गर्म कर लिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसमें तेल डाल दी हूँ और तेल गर्म होने का इंतजार करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया है, इसे गोल करके लड्डू की तरह ऐसा करके अब बीच से मैं दबा लूँगी फ्रेंड्स और मैं तेल में डाल दूँगी इस तरह से, इसी तरह से मैं सारा डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम दो और डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मेरा पक गया था तो मैं दूसरे साइड से पलट दी हूँ और धीमी आंच पे ही हमें पकाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चा ही रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हल्का फुल्का नाश्ता तल गया है, मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। देखिए फाइनली हमारा बन गया है हल्का फुल्का नाश्ता फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब मैं इस पर कुछ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे मैं हल्का सा चाट मसाला छीटी हूँ ताकि टेस्ट इसका बढ़ जाए और चटपटा लगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स हल्का फुल्का नाश्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।